वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी। और दोस्तों आज मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हुआ हूँ एक और नई इन्फॉर्मेशन लेकर के। कंटेनमेंट बोर्ड ऑफिस दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से वैकेंसीज आपके निकली है, ठीक है, जला पहाड़ से। और ये 30/11/2022 का नोटिफिकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर और सी कम सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी है, LDC का, PON का है, सफाई कर्मचारी का और नाइट गार्ड का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये फॉर्म आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ या आपको लिखना पड़ेगा और ये शायद ऑफलाइन फॉर्म है आपका। और इसके लिए जो है आपको सबमिट द एप्लीकेशन लिखा हुआ है साफ साफ 30/1/2023, डेट एक्स्ट्रा टाइम टू सबमिट द एप्लीकेशन। सॉरी, ये यहाँ पर आप देख सकेंगे लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 20/1/2023 अप टू लिखा हुआ है यहाँ पर 5, ठीक है। और कैंडिडेट रेडिंग इन असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू, ठीक है, और स्पीटी डिस्ट्रिक्ट, पांगी सब डिवीज़न एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक है। 10 डेज एक्स्ट्रा दिया जाता है इनके लिए, ठीक है, मतलब फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इनकी डेट है 30/1/2023। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा वैकेंसीज है। सीरियल नंबर 1 पे RMO की वैकेंसीज है जिसमें क्वालिफिकेशन MBBS मांगा गया है। दूसरे नंबर पर जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का आपका और सिर कम सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, एक ही वैकेंसीज है और वो जो है आपके जनरल कैटेगरी का है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका LDC का वैकेंसीज है 3rd पे, 4th पे जो है PON का वैकेंसीज है, 5 पे जो है सफाई कर्मचारी का वैकेंसीज है और 6 पे जो है नाइट गार्ड का वैकेंसीज है, 7 पे जो है फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसीज है। यहाँ पर एज रिलेक्शन जो है 30/1/2023 के हिसाब से दिया जाएगा आपको, जिसमें आप यहाँ पर कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं, पोस्ट वाइज लिखा हुआ इन्होंने किसकी क्या एज लिमिट है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का 21 से 30 ईयर्स मांगा गया, RMO का 23 से 35, LDC का 21 से 30, PON का जो है 21 से 30, फॉरेस्ट गार्ड का 21 से 30, नाइट गार्ड का 21 से 30, सफाई कर्मचारी का 21 से 30। मिनिमम एज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 रखी गई है सभी पोस्टों के लिए, मैक्सिमम एज जो है 35, 33 और 30 रखी गई है कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पर आप देखिएगा पीस किस हिसाब से क्या लगने वाला वो दिया हुआ है, ठीक है। UROBC का 500, SC ST का जो है 250, वुमेन कैंडिडेट का जो है यहाँ पर 250, PWD का कुछ भी नहीं लगने वाला है। सेल्फ अटेस्टेड ड्यूली जो है 50 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगाना पड़ेगा आपको, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय सेल्फ और बैक साइड ऑफ फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द मेंटेन एट द टॉप। यहाँ पर जो है आप मोड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन मेरिट विल बी बेस्ड होगा, रिटर्न टेस्ट होगा ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, 180 मिनट मिलेंगे आपको। आंसर टू द क्वेश्चंस विल हैव टू बी मार्क्ड ऑफ OMR आंसर शीट। द क्वेश्चंस फॉर रिटर्न टेस्ट विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। और इंग्लिश स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ लैंड सर्वे इंक्लूडिंग टोटल स्टेशन एंड नॉलेज ऑफ QGIS, डेट टाइम, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है LDC का देख सकते हैं आप। और ये नोटिफिकेशन वैसे मैं आपको जो है टेलीग्राम पे सेंड करने वाला हूँ, आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा पैरामेडिकल केयर एकेडमी के नाम से, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जानकारी चलेगी तो वीडियो का